अब ये कांग्रेस को दे रहे हैं, शुरू में कांग्रेस को दिया था, बीच में और पार्टियों को दिया। देखिए कांग्रेस को बिल्कुल, पूनम पंडित पहले चुनाव, पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है जीत पाएंगे या फिर? देखो उम्मीद पूरी पूरी है, आ गया ऊपर वाला मालिक है। अच्छा, यानी कि कैसा लग रहा है आपको विधानसभा में, हवा कैसी चल रही है? माहौल ठीक चल रहा है। मतलब पूनम पंडित के बारे में आप जानते हो काफी? काफी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जब से ये हमारा किसानों का आंदोलन चला है जब से जानते हैं, उससे पहले नहीं जानते थे। इस आपके गांव में से कितना वोट मिल सके पूनम पंडित? दो कितने परसेंट? 100 में से? 100 में से कम से कम 40% तो मिले जाएगा। अच्छा अच्छा, बाकी सब है 60%। 60%। देखो भाई एग्जिट सही बताया इन्होंने, क्योंकि आप क्या कहना चाहोगे? जो इन्होंने कहा वही मैं कहना चाहता हूँ। आप इन्होंने कह रहे हैं कि बीजेपी ने ज़्यादा विकास करा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी का तो मामला बस सिर्फ एक ही चल रहा है, जो भी चल रहा है कि आपसदारी में नाइस्तफाकी करना, एक दूसरे से मामला बिगाड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए वोट नहीं दे रहे बीजेपी। चलो भाई ये एक बार थोड़ा साइड में हो जाओ, आज इस तरफ आ जाओ, क्लिक कर देना गाड़ी, क्लिक कर देना, बात अभी रह रही है, बात अभी अधूरी है, आज निकाल लो। हाँ चलो आगे, थोड़ा चलते रहो। हाँ चलो भाई, चलते चलते बात करेंगे। अच्छा देवेंद्र सिंह लोधियाँ से जो है MLA है, उन्होंने कुछ काम करवाए नहीं आपके क्षेत्र में? ये हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने हमारे लिए तो कोई काम नहीं करवाया अभी तक भी ऐसा, और ना ही हमें उम्मीद लगी कोई ऐसा कि कोई काम करवाएंगे, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें लोग धुतकार रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी गांव में उन्होंने काम नहीं करवाया अभी तक। अच्छी चीज़, इसलिए लोग उनको धुतकार रहे हैं कि तुमको वोट नहीं है हमारे। बस पता भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, उसका क्या नज़र है? उसका क्या नज़ारा है कि नज़ारा यही है कि काफ़ी समय में ये जो अब नई कांग्रेस की मामला चल रहा है यहाँ पर, उस कांग्रेस का ऐसा मामला है कि लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आए। अच्छा अच्छा, इसलिए दूसरी पार्टियों पे लोग रुझान कम दे रहे हैं। अच्छा, पूनम पंडित पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है जीत पाएंगे या फिर? देखो कहीं कहीं? जीतना तो ये है कि जो ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर जीतेंगी, बाकी लोगों का वोट सपोर्ट सब उनके साथ हैं, सब कुछ वो उनके देने के लिए हैं। अच्छा अच्छा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। अच्छा, आप इतनी फैन फॉलोइंग है, किसान आंदोलन में भी काफ़ी बार जो है नजर आई में किसानों का लगातार साथ दिया जी, उसकी उसका कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ? हाँ उसका बहुत फर्क पड़ेगा लोगों पे, उसका ये फर्क पड़ेगा कि किसान के हक में जो बोलने वाली हैं, एक पूनम पंडित थी और कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, तो जो इंसान बोलता है लोगों के हक में बोलता है तो लोग उसका साथ क्यों नहीं देंगे? उसका साथ तो देंगे जरूर लोग, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे हक में लड़ रहा है हम उसके हक में लड़ें, उसको सपोर्ट करें, उसको ऐसी गद्दी पे बिठाएं ताकि वो हमारी सपोर्ट में रहे, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों का वो इस वो बड़कपन है जो क्या नाम है उन लोगों के लिए, कि जो लोग ये चाहते हैं कि कोई भी अच्छा आदमी है और वो नेता या कोई भी चीज़ बन जाएगा तो हमारी सपोर्ट में रहेगा और हम कुछ काम को कहेंगे तो वो करवाएंगे। अरे गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है और सभी पार्टी अपना दमखम लगा रही है, अभी पूनम पंडित अभी 7-8 दिन हुए हैं उन्होंने, क्या लगता है हवा चल रही है, गरा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा? हाँ वो तो ऐसा है कि जब आमने सामने पार्टी आती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है लोगों का, पर ये है कि सपोर्ट का मामला ऐसा है कि गठबंधन ये चाहता है कि हमारी सपोर्ट मिलेगी तो हमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर जैसा मामला चल रहा है इनका पूनम पंडित जी का, इनका मामला देखकर ये लग रहा है कि यही यहाँ से विधानसभा की सीट इनके हाथ में ही आएगी, यानी कि लास्ट में दौड़ी हैं, दौड़ते दौड़ते सबसे आगे निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे जी, कोशिश पूरी करेंगे निकालने की, आगे ऊपर वाला मालिक है भाई, कोशिश अपनी तरफ से हम पूरी करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, हर तरीके से साथ रहेंगे। अच्छा पूनम पंडित जी देखो घर घर जा रही हैं, कोई कैंडिडेट आपके बीच में आया? अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं आया, अभी भी कोई कैंडिडेट नहीं आया, कैंडिडेट आएगा कैसे, तब 5 साल के बिना जो जीते हुए वही नहीं आते, तो अभी क्या आएंगे, वो अभी आके क्या करेंगे यहाँ? जो भी आता है वो गाड़ी से बाहर नहीं उतरता है, वो गाड़ी के अंदर ही हेलो करके चले जाते हैं, कोई वो नहीं है क्या नाम है कि लोगों से उतर कर मिला जाए, उनसे बात करें, उनके पास तो जवाब ही नहीं है देने के, नहीं है ठेके खुल रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद है, क्या करेंगे बच्चे? ये बात है, देखो पूनम पंडित घर घर जा रही है, बिल्कुल एक असर पड़ेगा, वो तो टाइम थोड़ा कम मिला है ना, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें आगे ले जाने की, आगे किस्मत है इनकी क्या करती है क्या नहीं होता। बिल्कुल एक मतलब ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं पहली बार राजनीति में आई है, और लगातार मैं 13 महीने से देख रहा हूँ समाज सेवा करी है, किसी के दुख सुख में जावे हैं, इस चीज़ का फर्क दे पाओगी जनता या फिर? दे पाएगी, बिल्कुल दे पाएगी, बिल्कुल देगी जनता इनको इनकी मेहनत का सिला मिलेगा, और हो सकता है कि ये पूरे बहुमत के साथ आए आगे जो होगा देखा जाए। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं 300 पार, यानी कि आप पूनम पंडित को देखे? खाली हम तो पूनम पंडित के, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये थे कौन सा गाँव है जी? फरमाना,
हाँ इस तरफ हो जाएगा भाई। इस वक्त फरवाना में मौजूद थे और तमाम युवा, आप भी कुछ कहना चाहोगे? आप आज जिसने जिसने बोलना हो भाई, जो उन्होंने कह दी सारी उनकी बात है तमाम। ये चलो जी, तो भाई यहाँ पे हम फरवाना में मौजूद थे, कितना वोट हो गए जी? यहाँ 8,000 के लगभग कुछ 8,000 है भाई। देखो पूरा बड़ा गाँव है फरमाना गाँव, एक जबरदस्त यहाँ पर माहौल नजर आया इन्होंने बताया है। हाँ। बाकी हमने तो पता नहीं इस बात का। हाँ। बीजेपी की है कुछ वोट? हाँ बीजेपी की भी है यहाँ वोट, ऐसी कोई बात नहीं। वो अभी वोट सबकी है? वोट सबकी है। सबसे ज्यादा किसकी? पूनम पंडित की। पूनम पंडित जी दिल का कांग्रेस दिल से भी है, वैसे भी आपके प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी बनेगी। देखो भाई कह दिया है, पूनम पंडित को आप पहले से जानते हो? हाँ जी। क्या जानते हो उसके बारे में? पहले से जानते हैं हम तो, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में वहाँ भी लड़ी थी ये, लड़ी थी। हाँ। भाई देखो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़न में पहला नाम आओ पूनम पंडित, लड़न में पहला नाम आओ जी। देखो सब के लिए लड़ रही है, बाकी सच्चा है बात, जहाँ भी देखा लड़न लड़ने के लिए चलो आगे, चलो आगे बताएंगे। हाँ चलो भाई लड़ने के लिए चल रहे हैं भाई, तो भाई बने रहेगा।